वासेपुर के समाज सेवी मुख्तार खान ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर वो सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, जिसका नामांकन वो दिनांक 27 नवंबर को करने वाले हैं। टीएमसी ने उन्हें अपना चुनाव चिन्ह दे दिया है। जीत को लेकर वो काफ़ी अस्वस्थ दिख रहे हैं। मुख्तार खान ने बताया कि आगामी सिंदरी विधानसभा के चुनाव में वो एक बड़ा उलटफेर कर इतिहास रचने जा रहे हैं और विकास किसे कहते हैं वो सिंदरी में करके दिखाएंगे। उद्योगों को बढ़ावा देते हुए सिंदरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता की हर एक समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही मुख्तार खान ने यह भी बताया कि उनके पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी भी सिंदरी आएगी और जनता को संबोधित करेगी। इधर भी देखिए भैया, रहेगा हर घर के लोगों में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, उस कमी को पूरा करना ये हमारा मुद्दा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर घर में पहले तो लोगों में बेरोजगारी बहुत है, इस बेरोजगारी को खत्म करना है। जब पैसा जाएगा तो अपने आप शिक्षा बढ़ेगी, घर की सारी कमियां पूरी होगी, तो हमारा पहला मुद्दा है बेरोजगारी को खत्म करना। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ के भौगोलिक स्थिति से पहले शायद आप अवगत हैं या नहीं? नहीं, अवगत है। वहाँ पर कई नेता ऐसे हैं जो पिछले कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है और वो चुनावी मैदान में है। आप अचानक पैरासूट के हिसाब से जाएंगे तो कैसे वहाँ पर लोग वहाँ पर आपको पसंद करेंगे? देखिए, हमारा सोशल एक्टिविटी आज 14-15 साल से पूरे धनबाद जिले में होता रहा है। कहीं ब्लड डोनेट करना हुआ, कहीं मेडिकल कैंप लगाना हुआ, कहीं आँख का ऑपरेशन करना हुआ, तो इसे धनबाद जिले के सारे लोग जानते हैं। हमने निस्वार्थ किया, कोई ऐसा नहीं कि उनसे हमको कोई फायदा लेना है या हमको कोई इलेक्शन में खड़ा होना था। वैसे अभी हाल फिलहाल हमारी सोशल एक्टिविटी को देख करके ममता दीदी ने हमें सिलेक्ट किया, गोस्वामी साहब ने और ये रिजवान साहब ने हमें सिलेक्ट किया कि आप जब निस्वार्थ भावना से ये कर रहे हैं, आपके ऊपर जब जिम्मेवारी दी जाएगी तो आप सोशल एक्टिविटी और बढ़ाएंगे। तृणमूल का एक नारा है, महामाते मानो, धनबाद में आप लोगों का क्या होगा? वही धारा, उसी सोशल एक्टिविटी को देख करके माँ माटी मानुष के ही हिसाब से हम लोग भी यहाँ उनके बात को, ममता दीदी की बात को भी हम लोग रखें। बंगाल में ही टीएमसी के विरोध में बहुत अधिक अब देखा जाए तो माहौल बनने लगा है, ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि झारखंड में आप लोग सफल होंगे? कोई ऐसा माहौल नहीं है, लोगों का अफवाह है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब रही बात के सिंदरी में भी वैसे ही कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग, हमारा काम है अपना जो माँ माटी मानुष के लिए वो करना है। वहाँ पर भाजपा नेताओं के साथ जिस तरह मारपीट की जाती है, उसके समर्थकों के साथ मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो यहाँ दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसा कुछ अफवाहें भी उड़ जाती हैं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है, समाज सबके लिए एक बराबर होता है, और हम लोग ऐसा अगर होता भी होगा तो हम लोग ऐसा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से टीएमसी के जिला प्रभारी सह धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, जिला अध्यक्ष रिजवान असलम सिद्दीकी, समाज सेवी हाजी जमीर आरिफ, अनवर अली, शकील खान, आसिफ खान आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं टीएमसी के जिला प्रभारी राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि इस बार हमारी पार्टी टीएमसी सिंदरी विधानसभा से मुख्तार खान को अपना प्रत्याशी बनाकर उन्हें टिकट दिया है। ममता दीदी के समूह हैं जिनके नीति और सिद्धांत को झारखंड में उतारना है, जिस तरह बंगाल में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किए हैं पूरे देश में, जिस तरह से ममता बनर्जी का नीति और सिद्धांत के आधार पर पश्चिम बंगाल विकास की ओर अग्रसर है, उसी मॉडल पर झारखंड में भी लोगों का विकास करने के लिए यहाँ पर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से माननीय मुख्तार साहब को, जिनका बैकग्राउंड समाज सेवा, लोगों से मिलनसार प्रवृत्ति और हर कदम पर लोगों का साथ देने के कारण एक अच्छा जनसमूह में इनका प्रभाव बना हुआ है। बहुत तरह की सेवाएं इन्होंने पूरे धनबाद जिला में की हैं, विशेषकर धनबाद में
में बलियापुर में गोविंदपुर में इनको देख करके इनकी कार्यशीलता को देख करके इनको सुंदरी विधानसभा क्षेत्र से उनको नामांकन पत्र दिया गया जिसको मैं इनको आपके समक्ष सपोर्ट कर रहा हूँ। ये नामांकन पत्र है इनको दिया गया है जो वहाँ से सिंबल है पार्टी का मुख्तार भाई को हम लोग दिए हैं और ये वहाँ से काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। और धनबाद में किन किन सीटों पे जो है टीएमसी अपनी प्रत्याशी वर्तमान समय में अभी मुख्य रूप से सिंधी विधानसभा क्षेत्र में ही केंद्रित किया गया है और कहीं से होने का संभावना कई लोगों से बातचीत कर रहा है उम्मीदवारी को लेकर के तो लड़ा जा सकता है। वर्तमान में सिंधी से ऑल टुगेदर 40 हम लोगों ने ममता बनर्जी के निर्देश पर 40 जगहों से लोगों को जो उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं उनको टिकट दिया गया है और काफ़ी जोर शोर से इसका चुनाव प्रचार भी चल रहा है। हम लोग भी सिंधी गोविंदपुर बलियापुर कमलाकर हम लोग सघन लोगों से घर घर मिलकर के अपना कार्यक्रम दिया है और एक लहर पूरा झारखंड में चल रहा है परिवर्तन का लहर। उस परिवर्तन के लहर में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका साहब अगर आपके सामने खड़े हैं मुद्दा क्या होगा आपकी पार्टी के लिए? पार्टी का मुद्दा तो हम लोगों को जान रहे हैं कि शिक्षा विकास का जितने भी लोगों का आवश्यक है विकास का बात करना हम लोग चाहते हैं क्योंकि शिक्षा का सड़क का बिजली का पानी का जो समस्या पूरा वर्तमान समय में बना हुआ है लोग त्राहिमाम करते हैं। लोगों को बहुत आशा के साथ नई सरकार का गठन हुआ था 2000 से आज तक ये झारखंड उपनिवेश बन करके रह गया है। लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं कभी किसी को मुख्यमंत्री कितने 12-15 मुख्यमंत्री बन गए इस कम समय में हर साल एक मुख्यमंत्री बनता है और इस तरह से यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि झारखंड में एक विशेष रूप से लोग टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के जनता के समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं सिर्फ आश्वासनों का बंडल लोगों को दे रहे हैं। ऐसे समय में मुख्तार भाई इस काम को लोगों के इच्छा को मुराद को पूरा करेंगे इसलिए इनको खड़ा किया गया है। काफ़ी लोगों में रुझान है हम लोग घूम रहे हैं और आज भी उनको पार्टी का सिंबल मिला है इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को हम लोग बताने के लिए आए हैं। और हम लोग का प्रोग्राम जो है जिस तरह से हम लोग का बंगाल में टीएमसी फैला हुआ है उस तरह से आस्ते हम लोग जो है झारखंड में पूरा टीएमसी को फैलाने का कोशिश करेंगे। शुरुआत हम लोग सिंधरी से कर रहे हैं और धनबाद से जितने भी विधानसभा का टिकट होंगे तो हम लोग आशा से और लोगों को भी जोड़ रहे हैं कोई अगर सही कैंडिडेट अगर मिलता है तो हम लोग उसमें उनको विधानसभा लड़ाएंगे। शुरुआत हम लोग सिंधरी विधानसभा से हुई पहले धनबाद से था फिर सिंधरी चेंज कर दिया गया ये डिसीजन आला कमान से हुआ है। मलय घटक साहब जो है झारखंड प्रभारी हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि सिंधरी विधानसभा से उनको लड़ाया जाए। धनबाद के अभी किन किन विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए हैं? अभी धनबाद से सिर्फ सिंधरी स्टार्ट हुआ है और अभी झरिया की बात चल रही है हमारे ये इनका बात नाम चल रहा है गोस्वामी जी का अगर ये और पार्टी अगर तैयार होते हैं तो झरिया से ये लड़ेंगे।